टोटल 2 माइक्रो फैराड। गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एस के सिंह, और आज हम लोग क्लास 12 के लिए कैपेसिटेंस से सीरीज एंड पैरेलल में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चा हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कैपेसिटर कैसा होता है। तो बच्चा ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और इस कैपेसिटर में के दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो छोटा एंड है ये वाला, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे पास कैपेसिटर है इसमें लिखा हुआ है कि 2200 माइक्रोफैराड का है और 25 वोल्ट का है। और ये हमारे पास रहा ट्रांसफार्मर। आप लोग जब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हाफ इसकी जरूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर की। इसका वर्क होता है ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट डे हम आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। और ये कैपेसिटर बच्चा, इसके बाद में हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। आप देख लीजिए कि रेजिस्टेंस कैसा होता है। ये रेजिस्टेंस है छोटा सा, ये रेजिस्टेंस है, ये 1 kΩ का है, 1 kΩ का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपने देखा मोबाइल पे, टेलीविजन, रेडियो, सभी में ये लगे होते हैं और ये कैपेसिटर भी लगा होता है। कैपेसिटर का कोई वर्क नहीं होता है, केवल ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसका पूरे टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 2 माइक्रोफैराड है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो कहीं से भी स्टार्ट करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो इसे 1/C' सीरीज का फॉर्मूला ही होता है, 1/C1 + 1/C2। तो 1/C' इक्वल हमारे पास आएगा 1/2 + 1/2। तो 1/C' इक्वल आएगा 2/2। तो 1/C' इक्वल आएगा 1/1, मीन C' इक्वल आएगा 1 माइक्रोफैराड। और ये हमारा अभी इतना फाइंड हुआ इसके बारे में। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे पैरेलल में, इसमें पैरेलल में। तो ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 माइक्रोफैराड एंड C' माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। और पैरेलल फॉर्मूला C' = C" + C'। तो C" = C3 वैल्यू 1, और C' की वैल्यू भी हम लोगों ने 1 फाइंड करी। तो C" हमारे पास आया 2 माइक्रोफैराड। हमारा इसका जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसकी इसको देखेंगे। सबको पता है इसमें कनेक्टेड है ये, बोलिए कौन सा, ये और ये पैरेलल में, समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। तो इसे सपोज करेंगे C" = 2 + 2। तो C" = 4 माइक्रोफैराड। ये हमारा इतने के काम तमाम हुआ, इतना नोट करिएगा। इसके बाद में हम इस फिगर को चेंज करेंगे कि फिगर में अब क्या बनाना है। फाइंड किया था इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, बोलो 4। इस पूरे की वैल्यू आई थी 2, कितनी आई थी 2 माइक्रोफैराड। और ये हमारा कितना आ गया था यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, कितना आया था 4 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे बी पॉइंट था, ये हमारा फिगर आया, ठीक है ना। अब ये किसमें कनेक्ट है दिख रहे होंगे, इसमें क्यों फर्स्ट एंड ए
फर्स्ट एंड पॉजिटिव से और सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट से सेकेंड का लास्ट एंड नेगेटिव से सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होना है सीरीज कॉम्बिनेशन तो लिखेंगे 4 माइक्रोफेरड एंड 4 माइक्रोफेरड टू आर इन सीरीज तो 1/C ट्रिपल डैश हो चुका था ना यस सर 1/C 4 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 2/4 2 × 4 तो सी फोर्थ पॉइंट कितना आएगा सी फोर्थ इक्वल टू माइक्रोफेरड तो बच्चा इसका भी काम तमाम हुआ अब यहाँ पे इतना नोट कर लो फिगर बनाइए फिर मैं आगे बता रहे हैं या बता रहे इसके साथ में लिख जान दीजिएगा नेक्स्ट फिगर हमारा बनाइए ये हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 माइक्रोफेरड और ये यहाँ पे एंड हो गया यहाँ पे बच गया हमारा 2 माइक्रोफेरड ठीक है ना ये कुछ ऐसा बन रहा है फिगर बी ए और ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफेरड यहाँ पे सी अब बोलो ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में ठीक है ना लिखेंगे 2 माइक्रोफेरड एंड 2 माइक्रोफेरड आर एन पैरेलल तो आपको दिख रहा होगा कि सी फोर हो चुका था सी फाइव फिफ्थ 2 + 2 सी फिफ्थ आएगा 4 माइक्रोफेरड कितना आया 4 माइक्रोफेरड अब टोटल हमारे पास क्या बचा ध्यान देना अब हमारे पास बचा ये कि ये ए है ए के साथ सी का कनेक्ट है और इसके बाद फिर सेकेंड का कनेक्ट है 4 माइक्रोफेरड और ये सी है लास्ट में क्या बचा बी और टोटल कैपेसिटर इसका कितना है 2 है कितना है 2 है मीन्स और ये किसमें कनेक्ट है सीरीज में इसमें सीरीज में तो लिखेंगे 1/C इक्वल 1/C प्लस 1/4 और इसकी जो वैल्यू गिवन है हमें कितना 1/2 1/C प्लस 1/4 ठीक है ना तो 1/C इक्वल बच्चा 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम लिया इसमें 4 आया तो 2 × 4 माइनस 1/C इक्वल 1/4 तो सी इक्वल कितना आएगा बच्चा 4 माइक्रोफेरड कितना आया 4 माइक्रोफेरड बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है कह रहा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है कह रहा इफ आ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट फाइंड चार्ज 400 हमें चार्ज फाइंड करना है और बुक में लिखा है नियरेस्ट ए फाइंड चार्ज 400 नियरेस्ट ए ये लिखा हो या ना लिखा हो सॉल्व वैसे ही करेंगे फर्स्ट कैसे क्या करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे देन आफ्टर सी इक्वल की वैल्यू बी अप्लाई कर देंगे ठीक है ना तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप क्वेश्चन में 3 3 3 सीरीज में है 3 माइक्रोफेरड एंड 3 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज जब ये सीरीज में है बच्चा तो 1/C इक्वल 1/3 3/3 कितना आएगा 1/C इक्वल 1 आएगा देन C इक्वल कितना जाएगा बच्चा 1 माइक्रोफेरड अब 1 और 2 को ऐड करेंगे पैरेलल में ठीक है ना क्या करेंगे यहां से लिख देते हैं 1 माइक्रोफेरड
एंड 2 माइक्रोफैरड आर एन पैरेलल तो क्या आएगा सी डबल डैश इक्वल 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरड। अभी 3 हो गया, अगेन इसको सीरीज में 3 माइक्रोफैरड आर एन, अरे क्यों नहीं मान रहे हो, सीरीज 1/C (3), 1/3, 1/3, 3/1 मीन सी ट्रिपल डैश कितना जाएगा 1 माइक्रोफैरड इतना जाएगा 1 माइक्रोफैरड मीन्स हम लोग यहाँ पे आ गए। अब 1 और 1 किस में ऐड, 1 और 2 किस में ऐड कर देंगे समांतर क्रम में, यानी कि 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर एन पैरेलल क्या आएगा 1/C (4) = 1 अच्छा पैरेलल है तो C4 = 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरड। अब 3 माइक्रोफैरड किसमें सीरीज में 3 माइक्रोफैरड आर एन सीरीज कितना आएगा 1/C (equivalent) सपोज कर लेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3 + 3/3 1/1 तो टोटल इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रोफैरड। यहीं से क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड हुआ, इक्विवेलेंट का क्वेश्चन फाइंड हुआ। इसके बाद हमें फाइंड करना है इस पे कितना चार्ज है, क्या फाइंड करना है चार्ज फाइंड करना है। और चार्ज फाइंड करने के लिए सी क्या होता है बच्चा Q/B तो क्यू कल क्या जाएगा CB क्या जाएगा CB तो Q = CB Q = C की वैल्यू है 1 माइक्रो का मतलब 10^-6 और B का मतलब वोल्ट, वोल्ट कितना है 100 वोल्ट कितना है 100 वोल्ट तो Q = आएगा -6 है तो 100 × 10^-6 कूलम। अदरवाइज हम और लिखना चाह नहीं सकते हैं 1 × 10^-4 कूलम 100 से 2 लेस कर देंगे प्लस के 2 जाएंगे तो -4 कूलम बचेगा। यही हमारा आंसर हुआ। एक बात समझ लीजिएगा कैसे किया है, एक बात समझ लीजिएगा फर्स्ट 3 माइक्रोफैरड सीरीज में तो 1/3 लिख सकते हैं 1/1 यानी कि C-1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब यहाँ 1 और 2 = 3 हो जाएगा 1 और 2 कितना हुआ 3 हुआ फिर 3 सीरीज में तो 1/3 यानी C(1 माइक्रोफैरड इसके बाद यहाँ पे आया 1 इसका आया पूरे का 1 फिर 1 और 1 2 3 कितना हो गया 3 और फिर तीनों को सीरीज में तो आया हमारा 1 ठीक है ना। ये आंसर फाइंड हुआ और C = QYB से क्योंकि वैल्यू रख दिया क्योंकि वैल्यू फाइंड करना बी की वैल्यू पुटअप करी 100 वोल्ट और सी की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड में 10^-6 फैरड होते हैं और 1 पिको में 10^-12 होते हैं। यहाँ माइक्रो दिया गया था 10^-6 पुटअप किया और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन द एंड ऑफ अच्छा इक्वेशन गिवन है इसमें अगर आप फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हिंदी में क्या होता है ए और बी के बीच कुल संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए तो ध्यान दो इस फिगर को हम लोग जैसे ही फिगर दिख जाए तुरंत इसको इस टाइप से डिजाइन कर लेंगे तुरंत इस फिगर को ऐसे डिजाइन करेंगे
ए और ये बी है, जो बच रहा है हमारे पास ये सी और इसको डी सपोर्ट करो, इसको सी इसको डी सपोर्ट करो, गेम ओवर। यहाँ पे कैपेसिटर लिखेंगे, दादा ए और सी के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, ठीक बात, ए और डी के बीच में 2, ए और डी के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, डी और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, एंड सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड और मिडिल वाले में 5 माइक्रोफैराड। यदि वी ऐसा मिल जाए तो आपको पता है ये विद्युत स्टोन ब्रिज का वर्क करेगा और विद्युत स्टोन ब्रिज में मिडिल वाला नहीं रहता, उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो आपको हमें ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो आपको पता है ये दोनों किसमें है, सीरीज में, फिर ये दोनों किसमें है, सीरीज में, जो आएगा किसमें जाएगा, पैरेलल में, तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो 1/C' 1/2 प्लस 1/6 1/C' एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6 6 1 जा 6 4/6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो C' निकल कर कितना जाएगा 3/2। अब सेकेंड भी लिखेंगे यही, क्या 2 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, ये वाला। तो 1/C" 1/2 प्लस 1/6 साल तो कर ही चुके हैं, तो C" डायरेक्टली देने कितना बचा जाएगा 3/2। अब दोनों किसमें, पैरेलल में, लिख देंगे यहाँ पे बच्चा, ये पे आंसर खत्म, 3/2 माइक्रोफैराड एंड 3/2 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। तो वन सीकल सीकल 3/2 प्लस 3/2 सीकल 6/2 सीकल 3 माइक्रोफैराड क्वेश्चन द एंड। क्वेश्चन एंड हुआ बच्चा, नोट कर लीजिए बच्चा। नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे और आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा होगा बच्चा यहाँ पे कि ये ए और बी के साथ में सीरीज में है, कैसे, इसका फर्स्ट एंड प्लस से चैनल के इधर फर्स्ट एंड प्लस से सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट से और लास्ट एंड बी से किसी में गया सीरीज में, क्या लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो कितना आएगा 1/C' 1/6 प्लस 1/6 1/C' 2/6 C' 6/2 C' 3 माइक्रोफैराड। अब नेक्स्ट क्या है, 3 माइक्रोफैराड और 4 को किसमें सेंड करेंगे, पैरेलल में, ठीक है ना। तो समांतर क्रम सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब अच्छा 4 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं हिंदी में समांतर क्रम। तो C इक्वल टोटल 4 + 3 C इक्वल 7 माइक्रोफैराड और यहीं से हमारा क्वेश्चन बच्चा फिनिश होता हुआ और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सभी को रिपब्लिक डे का सेकेंड डे पे जय हिंद।